तब स्विच को ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पानी निकलना शुरू हो गया है लेकिन ओवरफ्लो नहीं हो रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम कुछ बनाने वाले हैं मेरे ब्लॉग में। और अभी तो बारिश हो रही बाहर, तो घर पे ही ऐसे ही बैठे थे तो कुछ मन किया बनाने का। तो देखिए दोस्तों क्या बना रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा बना रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को बनाते हुए। और क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये क्या क्या बना रहे हैं हम दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एक टिफ़िन बॉक्स, ठीक है, ये टिफ़िन बॉक्स है। उसके ऊपर फॉयल पेपर से मैंने फोल्ड कर करके पहाड़ बनाया। कैसे बनाया वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, मिडिल में ही, वीडियो के मिडिल में ही दिखाएंगे। और क्या क्या लगेगा हम लोगों को, अंदर एक पंप है, ठीक है, वो पंप इस चार्जर से चलेगा। और ये फॉयल पेपर है, मेरा नष्ट हो गया था फॉयल पेपर, सो रिसाइकल करेंगे कैसे, तो वो सोचे तो रिसाइकल करना पड़ा ऐसे ही बना के। और ये तो फेब्रिक कलर है, ऐसे कलर मैंने डाला है। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। और क्या बनाऊँगा ये, इससे ये देख के आप समझ ही सकते हैं। और मैंने क्या क्या बोला उससे वो सुन के आप समझ ही सकते हैं मैं क्या क्या बना सकता हूँ, मतलब क्या बना सकता हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मज़ा आएगा, तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। सो बताता हूँ मैं क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये कैसे मैंने आपको दिखाया, मतलब पूरा दिखा तो दिया लेकिन बनाया कैसे वो दिखा देते हैं। पहले एक फॉइल पेपर लेना है, ठीक है, उसके बाद जितना भी फॉइल पेपर है, मेरा तो ख़त्म हो गया ये बनाते बनाते ही, आप लोगों के लिए बचा के रखा था, तो ये ऐसे ही फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक पहाड़ का शेप देना है, ठीक है, और ये थोड़ा पहाड़ का शेप दे दिया। और ऐसे ही दो तीन फॉइल पेपर रोल करने से हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया छोटा पहाड़, तो इसके ऊपर ही दो तीन फॉइल पेपर और भी रोल करने से ज़रूर से हो जाएगा, ऐसा ही एकदम ऐसा ही, ठीक है। तो ये तो साइड में रख देते हैं और इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अभी क्या क्या बनाया मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ। ये तो तीन वैसे ही बनाया मैं, और ये जो मैंने बनाया था, ठीक है, इसके अंदर से एक पाइप लेना है यहाँ पर, ठीक है, एक पाइप घुसा के यहाँ से निकालना है। देखिए जहाँ यहाँ पर एक होल है, ठीक है, वो होल से पानी आएगा, कलर लग गया। सो अभी देखिए, ये जो यहाँ पर है, यहाँ से एक होल करना है, यहाँ से मिडिल पे, और ऐसे टॉप पे एक पाइप लगा देना है, ठीक है, एकदम नीचे तक, जब जहाँ पर पंप लगता है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखिए क्या क्या बना, ये खोल देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं, और ये पाइप जा रहा है सीधा यहाँ पर, एकदम होल है टॉप पे। तो ये तो पंप है, पंप नीचे रहता है, तो ये पंप नीचे रहने देते हैं और ऐसे फिर से लगा देते हैं। ये एक टिफिन बॉक्स का ढक्कन है, ठीक है, टिफिन बॉक्स का ढक्कन के इधर एक होल कर देना है, एकदम एक होल करके ऊपर ऊपर तक ले जाना है। और अभी रख देते हैं इसके अंदर, ज़्यादा प्रेस मत कीजिए नहीं तो खराब हो सकता है अंदर पे, क्या पता, मैंने उतना प्रेस नहीं किया। तो अभी तार तो निकाल दिया मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको पेंट का टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर ब्लू कलर करके कर देंगे, ताकि ये जो पानी गिर सकते हैं, मतलब गिरता है उसका जो कलर आए, पानी गिर रहा है सब समझे, तो ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो ब्लू कलर है, फैब्रिक कलर है, ठीक है, इसको भी कर देंगे ब्लू कलर। तो दोस्तों ब्रश तो आ गया, अभी देखिए कैसे ब्लू कलर करते हैं, पेंट सूखा कि नहीं। हाँ सूख गया, लेकिन थोड़ी और देर सूखने देते हैं, ठीक है, सूखने के बाद आएंगे फिर। तो दोस्तों ये तो कलर अभी नहीं हो सकता ब्लू कलर, क्योंकि ग्रीन कलर सूखा नहीं है,
तो अभी इसको पेंट कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ब्लू कलर ही पेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी रखा जाएगा, तो ब्लू कलर पेंट कर देते हैं। तो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि ज़्यादा आपको बोर फील ना हो। दोस्तों मैंने पेंट कर दिया, देखिए जितना दिखता है उतना ही पेंट कीजिए, नहीं तो पेंट फालतू का वेस्ट होगा। यहाँ पर रख देते हैं, इसको लगा देते हैं, जितना पेंट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको पेंट करना अच्छा लगता है तो पूरा ही पेंट कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो जितना दिखता है उतना पेंट कीजिए, ठीक है। तो ये तो मेरा दिख रहा था इसलिए यहाँ पर पेंट कर दिया, उसके बाद ये ढक्कन लगा देते हैं फिर से। देखिए दोस्तों मैंने ढक्कन लगा दिया फिर से, तो ये अच्छा दिख रहा है। आप भी बताना कमेंट पे कैसा हो रहा है मेरा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक से कमेंट जरूर से कीजिए। और अभी इसको दोनों को सूखने देते हैं, उसके बाद ये ब्लू कलर यहाँ पर लगाएंगे, तो उसके बाद फिर से आते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर मैंने सब पेंट कर चुके हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पर ब्लैक पेंट कर दिया है मैंने, और यहाँ पर ग्रास करने के लिए थोड़ा येलो और रेड, और इधर तो नीला कलर कर दिया, और ये जो हमारा देवता है इनको चिपकाने के लिए थोड़ा डबल टेप का यूज़ करेंगे इसको। देखिए दोस्तों डबल टेप को काट लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही काटेंगे, हो गया। और अभी यहाँ पर देते हैं इसको ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों चिपका दिया मैंने। अभी ऐसे हटा देते हैं और एकदम ध्यान से चिपका देते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये चिपक चुका है आप देख सकते हैं, और कलरिंग देखिए कितना अच्छा हुआ है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं कनेक्शन पर आ जाता हूँ, और अभी देखिए ये केबल है, चार्जर केबल बहुत ही लंबा मैंने लिया है, और इसको खोल सकते हैं, तो इसको साइड पर रखते हैं, और जो छोटा वाला साइड है इसको काटेंगे पहले। देखिए दोस्तों ये मैंने ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये काट लिया दोस्तों, देखिए जुबान दे दिया अंदर से, छील लेते हैं। लास्ट तक मैंने छीन लिया यहाँ से, और भी दो तार निकले हैं तो आप काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर चार तार निकला है, तो आप दो तार को काट सकते हैं, हम लोगों को सिर्फ दो तार ही चाहिए। जो दो तार चाहिए उसको हम छीन लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ये पूरा कट चुका है, तो अभी इन दोनों तार से जोड़ लेते हैं, और कोई घबराने की बात नहीं है, ये टूटेगा नहीं क्योंकि चार्जर से मतलब एक वोल्ट ही ट्रांसफर होता है, तो ज्यादा वोल्ट ट्रांसफर होने का डर भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैंने जोड़ लिया, आपके सामने ही सब होगा, कोई डरने की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये हमने जोड़ लिया यहाँ से, तो अभी इसको पूरा डायरेक्ट बोर्ड पे लेके जाएंगे, यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम। देखिए दोस्तों अभी इसको डायरेक्ट बोर्ड पे लेके जाएंगे अंदर पानी भर के, तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों मैंने पूरा बना लिया है, पानी भर के सॉकेट पे लगा दिया है, अभी देखते हैं कैसा बनता है, मतलब कैसा लगता है, तो बहुत ही अमेजिंग हुआ है, इंतज़ार कीजिए थोड़ा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा दिया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब स्विच ऑन करते हैं, उधर स्विच है, तो देखिए कनेक्शन पूरा लगा हुआ है,
स्विच अभी ऑफ है, सब स्विच को ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, But you won't even try to survive you. We'd rather keep it all inside. देखिए दोस्तों, पानी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। दोस्तों मैंने एक होल बना दिया है सामने में इधर ही। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।